हे फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हो? बहुत ही बढ़िया होगी। और दोस्तों, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी बज रहा है इवनिंग के 5 और अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आप सबका न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और यहाँ देख सकते हो ढेर सारे कपड़े डले हुए हैं, तो ये कपड़े मैं उठा लेती हूँ। मैं नून में डाल के गई थी, आज मैंने नून में कपड़े धोए थे। अगर मैं मॉर्निंग में कपड़े धोती तो नून में उठा ले जाती, मैंने नून में धोए थे इसलिए मैं इवनिंग की टाइम ले जा रही हूँ इनको। और फिर मैं आ गई नीचे, तो नीचे भी बहुत सारे कपड़े कल के भी फोल्डिंग करने के लिए रखे हैं। तो एक्चुअली मैं क्या हो रहा है आजकल ना, मेरे घर पे बहुत ही ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं। मतलब अंदर तो नहीं आते मेरे रूम में, लेकिन बाहर वाले रूम से चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं। अब वो क्यों आ रहे हैं वो मैं अभी आप लोग को नहीं बताऊँगी। और यहाँ देख सकते हो, यहाँ हस्बैंड और डुग्गू सो रहे हैं, मतलब इवनिंग में सो रहे हैं। मैंने इनको बोला था बाबू, मतलब शाम के टाइम सोया नहीं जाता, जग जाओ, तो फिर भी नहीं जग रहे हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ मैंने दाल भिगोई थी, मतलब नून में, तो दाल तो अच्छे से, मतलब मेरे ख्याल से वो हो गई, क्या बोलते हैं, तो आज मैं सिलवट्टा चला रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो सिलवट्टा किस किस ने चलाया है, किस किस के घर पे सिलवट्टा चलता है वो मुझे बताना कमेंट करके। मेरे घर पे सिलवट्टा जब वो दाल वगैरह पीसी जाती है या कुछ ज़्यादा ज़रूरत की जो सिलवट्टे पे जैसे मसाले वगैरह अचार वगैरह डालना होता है, जब मैं सिलवट्टे का इस्तेमाल करती हूँ। वैसे मैं डेली में जैसे मिर्ची वगैरह नहीं पीसती हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता है सिल का ज़्यादा मसाला। अगर हाँ चूल्हे पर सब्ज़ी बनाती हूँ तो सिल का मसाला अच्छा लगता है, और गैस पे बनाती हूँ तो सिल का वो मसाला। तो यहाँ फाइनली मेरी दाल पिस के रेडी है। तो आधी मैंने सिलबट्टे पे पीस ली, आधी मैंने मिक्सी में पीस ली। क्या हुआ था, मतलब सिलबट्टे पे मैं उस पर पीस ही नहीं जा रही थी, और ऊपर से उसमें खड़ी खड़ी रह रही थी, मतलब अच्छी तरीके से नहीं पीस रही थी, नैनी छोटी वाली बारीक नहीं पीस रही थी, इसलिए ना फिर मैंने सिलबट्टा को छोड़ दिया। फिर मैंने ग्राइंडर में पीस लिया, मैंने कहा अब मुझसे नहीं होगा सिलबट्टे पे, मैं कभी करती नहीं हूँ सिलबट्टे पे, मतलब पीसती नहीं हूँ कोई भी चीज़, तो मुझे आदत नहीं है। और यहाँ मैंने मतलब प्याज के पकौड़े मंगोड़े, तो मैंने दाल ली और प्याज ली, लहसुन ही मैं इसमें डालती हूँ, और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम, मतलब सारे मसाले मैं ऐड कर देती हूँ, चाट मसाला भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। और ये मेरा तेल रखा हुआ है कल का रिफाइंड ऑयल, मैंने मोमोज बनाए थे तो कुछ बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी में मंगोड़े फ्राई कर देती हूँ, वरना तो ख़राब हो जाएगा। और कोई काम का तेल नहीं है ये, अगर पूड़ी वगैरह या मंगोड़े वगैरह सेकना है उसके लिए सही है। और वैसे अपन सब्जी में बनाओ, सब्जी इसकी बनाओ तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी और रंगत भी नहीं आएगी। तो गर्मा गर्म समोस, मैं कह रही हूँ समोसे, गर्मा गर्म मंगोड़े खाने के लिए आप लोग रेडी हो जाइएगा। और जिसको भी खाना है वो मेरे घर आ जाइएगा, मैं सबका न्योता देती हूँ मंगोड़ों का। और मुझे ना खांसी बहुत हो रही है इस टाइम भी, और यहाँ मंगोड़े सिक रहे हैं। और मंगोड़े पता है अगर आयरन की कढ़ाई में सेको ना, काली वाली कढ़ाई में, तो बात ही कुछ अलग है। लेकिन क्या हुआ था, मेरा साफ़ करने का मन नहीं था उसको, आयरन वाली कढ़ाई को, उसमें टाइम लगता, आलस कर गई, मतलब गर्मा गर्म मंगोड़े बन के तैयार है, मतलब प्याज के मंगोड़े। और मंगोड़े मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, वो भी चाय के साथ। सच में चाय के साथ मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता, बस मंगोड़े
और मठरी, ये दो चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ सासू माँ के लिए और जेठ जी के लिए भेज देती हूँ मंगोड़े, उसके बाद खाऊंगी मैं और हस्बैंड सभी लोग। मतलब पहले बड़ों को देती हूँ मैं, उसके बाद मैं खाती हूँ। और हाँ, बड़े बोल देते कि अभी हम नहीं खा रहे, तुम लोग खा लो, तो हम खा लेते हैं, वैसे नहीं खाते हैं। तो यहाँ मंगोड़े मतलब फ्राई हो गए सारे और मेरी चाय बन रही है साइड में, तो मैं तो मंगोड़े के साथ चाय पीती हूँ। लेकिन ना कोई ना चाय नहीं पीता। अब सासू माँ है पहले ज़माने की, वो तो बोलती है चाय गर्मी करती है। पता नहीं यार, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, चाय गर्मी करती है या ठंडी करती है समझ में नहीं आता। मुझे तो बस चाय का टेस्ट अच्छा लगता है, कॉफ़ी और चाय दोनों ही पसंद है। सबसे ज़्यादा मुझे चाय, उसके बाद कॉफ़ी सेकेंड नंबर पर। तो मुझे तो 12 महीने चाय अच्छी लगती है, लेकिन इस टाइम मैंने थोड़ा कम कर दी है, अपना वेट लॉस कर रही हूँ इसलिए। और यहाँ देख सकते हो चार चार तकियाँ लगा के, मतलब चार चार पिलो लगा के हस्बैंड सोते हैं। यहाँ वैसे मैं सोई थी, यहाँ मैं सोई थी मतलब अभी दोपहर के टाइम में, तो मैं तो उठ गई, लेकिन इवनिंग हो गया और ये लोग उठे नहीं हैं। तो मैं तो भाई खा पी लेती हूँ, हस्बैंड नहीं उठ रहे हैं तो मैं क्या करूँ, नहीं उठ रहे हैं तो सोते रहो, सो गया भूख हो गया है ना। तो यहाँ चाय, चाय भी यार सच में बहुत टेस्टी बनी थी, मज़ा आ गया था। चाय अदरक वाली चाय तो बात ही कुछ अलग है अदरक वाली चाय की। यहाँ मंगोड़े और सासू माँ मांग रही थी ना, सासू माँ मांग रही थी सेम मतलब वैसे ही मंगोड़े बने हैं। उनको चाहिए थे करर 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 क्रिस्पी, तो उनको करर करर वाले मंगोड़े चाहिए था। तो मैंने इनके लिए चटनी तो बनाई नहीं, क्योंकि मुझे खाना था चाय से, और चाय बन के तैयार है, तो मेरी दोनों ही चीज़ बन के तैयार है। तो मैं खा रही हूँ आप लोग के सामने बैठ के, और यहाँ चला रही थी फ़ोन और मैं कुछ रील वगैरह देख रही थी। और इस टाइम मैं फेसबुक पे ना ही इंस्टाग्राम पे कहीं भी रील अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। गर्मी इतनी पड़ रही है बहुत ही तेज़, तो गर्मी के मारे इतना बुरा हाल है। हे फैमिली गुड इवनिंग, तो दुबू फोन बंद करो। तो हम अभी फिलहाल चलते हैं ऊपर, तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो मंगवाड़े वगैरह हमारा सब बन गया है। अब हम ऊपर चलते हैं, आप लोगों को भी मौसम दिखा देते हैं। तो धूप ऊप तो सब गई और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और ये देख सकते हो आप लोग, मैंने मनी प्लांट कल लगाया, और पता नहीं लगता भी कि नहीं, मेरे हाथ के पेड़ पौधे बहुत ही कम लगते हैं, पता नहीं क्यों। तो मौसम बहुत अच्छा है, और जब मौसम अच्छा होता है तो 1-2 घंटे मैं छत पर ही बिता देती हूँ। तो मैं सीढ़ियों पर चढ़ के आई ना, बहुत परेशान हो गई। जब मौसम अच्छा होता है तो मैं चारपाई बिछा के ना यहीं बैठती हूँ, तो 1-2 घंटे तो मैं यहीं बैठूँगी, आराम से आराम करूँगी। और हस्बैंड और सासू माँ गई हैं सब्जी लेने, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ, सब्जी लेके आ जाएंगी। फिर उसको फ्रीज वगैरह में लगाऊँगी वॉश करके, और मतलब कुछ बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मैं आई हूँ ना दौड़ दौड़ के, तो मेरी सांसें बंद नहीं हो रही है, तो अभी फ़िलहाल लीजिए चलती हूँ। जैसे ही घर में सभी लोग आ जाएंगे, मम्मी वगैरह सासू माँ वगैरह सब्जी लेके, फिर मैं ऊपर आऊँगी, क्योंकि अभी नीचे कोई है नहीं, डुगू अकेला है। तो ओहो, बूंद भी पड़ने लगी सच में, अब तो मज़ा आ जाएगा। एक बूंद मेरे ऊपर पड़ी, ये क्या हो गया, मेरी कुर्ती उतर गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो अभी कोई है नहीं, तो फिलहाल अभी नीचे चलती हूँ, थोड़ी देर से 1/2 घंटे से आऊँगी, और मुझे क्या क्या काम करने हैं वो फटाफट से कर लेती हूँ। डुगू बंद नहीं किया तुमने, क्यों तुमने फ़ोन बंद नहीं किया, बंद करो जल्दी। यहाँ लाइट ख़राब हो गई, पूरे घर में करंट ही करंट आ रहा है, फिर डोरी में डुगू टेस्टर कहाँ है, इसको खींच लो, नहीं पता तो दादी कहीं रख गई, अब कैसे चेक होगा। आ रही है ना, तो घर में आ रहा है बहुत ही भयंकर करंट, मतलब ऊपर दीवारों में हाथ लगाओ तो मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और लोहा जो यहाँ जहाँ जहाँ लोहा लगा है, मतलब रेलिंग वगैरह, वहाँ हाथ लगाओ तो इतना भयंकर करंट आ रहा है, पूरा फुल करंट आ रहा है। तो आज तो मैं मरने से बची, कपड़े मतलब डाल रही थी मतलब नून में, जब मुझे करंट आ गया था तो हस्बैंड से बोला, हस्बैंड जब सो रहे थे तो अब उठ गए, तो सब्जी भी लेके आ गए, तो मुझे सब्जी वगैरह भी रखनी है। वॉशअप ठंडा है डुकू,
बहुत अच्छा है। जाओ खेल लो, नहीं अच्छे से खेलना। मुझे खेलने का मन नहीं है। क्या खेलने का मन नहीं है? मत खेलो तो बैठ जाओ। मंगोड़ी रखी, मंगोड़ी खा लो नीचे जाके। मैगी खाऊंगा। मैगी थोड़ी देर से बनाऊंगी, यहाँ की लाइट सही हो जाए उसके बाद। लाइट नहीं, करंट। करंट, हाँ करंट आ जाएगा, तुम चिपक जाओगे। उधर आ रहा है, मैं इधर तो नहीं आ रहा। अभी नहीं आ रहा, गीली दीवार हो जाएगी ना, बारिश हो जाएगी तो आ जाएगा। ओफो, ये उठा लो। इसी में हुआ था जब मम्मी ने कमरा धोया था ना, उसमें भी हुआ था। उसकी चक्करी कितनी गंदी हो गई है जी। तो चलो, करंट वगैरह जो भी था वो सही हो गया है। और यहाँ हस्बैंड तार लगा रहा है, इस पर कपड़े डालते, डोरी है मतलब तार है। और यहाँ बूंद भी पड़ने लगी है, मतलब मौसम ठंडा हो गया, लेकिन इतनी बूंद पड़ के रह जाती है, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है इधर। किस किस के यहाँ बारिश हो रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। कहाँ कहाँ से ब्लॉग आप लोग मेरा देख रहे हो, मुझे भी पता चले यार कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। मेरे यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही, दो बूंद पड़ जाती है उसी से खुश हो जाते हो, और फिर बारिश नहीं होती है फिर बहुत दुखी हो जाते। तो यहाँ सब्जी रख रही हूँ, सब्जी आ गई थी 6:30 बजे के टाइम, लेकिन अब रात के टाइम रख रही हूँ। तो यहाँ नींबू तो मतलब नींबू ना मेरे लिए ना आना ही आना था, मतलब नींबू नहीं रह सकता। मैंने नींबू की बोल दी थी हस्बैंड से, और नींबू पानी तो मैं पीती हूँ, आप लोग जानते हो, गर्म पानी मैं सुबह शाम दोनों टाइम पीती हूँ। तो यहाँ देख सकते हो सब्जी में कुछ ज़्यादा नहीं। मम्मी बोल रही थी, मतलब सास बोल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा भाव, मतलब तेज़ भाव हो गए थे सब्जी के, बहुत महंगी हो रही है सब्जी, बहुत ही महंगी बिच रही थी। लौकी 40 रुपए किलो, फली 60 रुपए किलो। अब पता नहीं, मम्मी थोड़ा मतलब बता रही थी मुझे कि ऐसा ऐसा है बहू रानी, आज मैं तो गई नहीं सब्जी मंडी, तो यहाँ अपनी सब्जी रख दी।